कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। देश की जनता के सक्रिय सहयोग से हम देश में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह को सावधानी व सही तरीके से पालन कर वायरस के स्थानीय प्रसार को रोका जा सकता है। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के कई ग्राम सभा के ग्राम प्रतिनिधियों से मुलाकात करने में कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए आवश्यक कार्यों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाया गया कि ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्देशों का अच्छे से पालन किया जा रहा है। क्वारंटाइन को लेते हुए भी हमने सोचा है कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है गांव का, उसे हमने क्वारंटाइन के लिए बनाया है। व्यवस्था उसमें की गई है, अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है या फिर कोई दूसरे जनपद से आता है तो हमें, अभी तक तो कोई आया नहीं है, अगर आ जाता है तो उसकी व्यवस्था हमने स्कूल पे की गई है ताकि उसे 15 दिन के लिए आइसोलेट करके उस क्वारंटाइन रखा जाए ताकि वो गांव से दूर रहे और उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, ये सब देखते हुए हमने वहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे राशन वितरण प्रणाली की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? राशन प्रणाली में जैसे सरकार की तरफ से था कि लाल कार्ड और जाप कार्ड वालों को फ्री दिया जाएगा, इससे पिछली बार की जो वितरण हुआ वो फ्री हुआ, बाकी अदर वालों को जो भी मूल रूप से जो भी पैसा लगा, 1 रुपया 2 रुपया जो भी हिसाब था उस हिसाब से दिया गया। लेकिन इस बार से हम लोगों ने उसके लिए भी सोचा और ये सोचकर कि सबके लिए फ्री करवा दिया गया, मतलब अपनी तरफ से हमने ये सोचकर कि अब जो भी पैसा किसी का ना लगे हम अपनी तरफ से प्रधान की तरफ से इस चीज़ को मुहैया करवा देते हैं, सबके लिए मुफ्त हो जाए। हमारे गाँव में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव है, सैनिटाइजन हुआ, ब्लीचिंग पाउडर से लेकर के हर जो संभव है किया गया है। जैसे लोगों के सहायता के लिए मासूस की क्या स्थिति? हाँ, सबको जो अगर जरूरतमंद है उनको वितरण किया जा रहा है मेरे तरफ से। जैसे क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था रही जो दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं? अभी तक मेरे गांव में कोई ऐसे लोग बाहर से नहीं आए हुए हैं जिनको क्वारंटाइन का जरूरत पड़े, बट मेरे तरफ से सरकारी प्राथमिक विद्यालय में और पंचायत भवन में उचित व्यवस्था किया गया है, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ पर रखा जाएगा। फिलहाल कोई ऐसे व्यक्ति नहीं आए हैं जिनको वहाँ रखने की ज़रूरत है। ग्राम सभा में 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर चुके हैं और 3री बार का अभी करना बाकी है। जैसे क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था है, जो लोग बाहर से अंतर राज्यों से अंतर जनपद से आए हुए हैं तो उनको लेकर क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था है? उन लोगों के लिए अलग अलग विद्यालयों पर जहाँ जिसकी जैसी सुविधा थी उसके अनुसार दिया गया था। सकरपुरा जो ग्राम पंचायत खांसरा का पुरवा है वहाँ 4 लोग थे और सैयदपुरा एक ग्राम पंचायत खांसरा का ही पुरवा है जो वहाँ पर 6 लोग थे। और टोटल आपके गांव में जो बाहर से आए हुए उनकी संख्या क्या रही? वो 7 स्कूलों पर रखा गया था जो उनकी संख्या 16 थी। अच्छी तरह से गांव का हमने सफाई किया, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर मंगा करके अच्छी तरह से छिड़काव किया, उसके बाद मास्क का वितरण किया और सेंट्रलाइजर दवा छिड़काया हमने, हर गली हर रास्ता हर चरमोहानी नाली वाली सब कुछ में छिड़काव किया है। जैसे क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था रही, जो लोग दूसरे जगह से आए हुए हैं 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रखना है, उसकी क्या व्यवस्था रही? जी, उसके लिए हमने लगभग हमारे यहाँ 20 के करीब लोग आए थे बाहर से, जो कानपुर के रहने वाले थे, ऋषिकेश से चल कर आए थे, 1-2 आदमी दिल्ली से चल कर आया था, ये लगभग 20 दिन पहले आए हुए लोग हो गए। हमने अलग उनको व्यवस्था दिया था, 14-15 दिन रखा, उसके बाद से उन लोगों को हमने मनियत PSC पर मेडिकल अफसर को बुलाकर जांच कराया, उसके बाद हमने CO बांसडी को फ़ोन करके वहां सूचना दिया था, व्हाट्सएप पर डाला था और स्वयं मैं उनको हमेशा देखता रहता था, उनकी खबर लेते रहता था, कोई दिक्कत ना हो खांसी बुखार जुकाम वगैरह के लिए मैंने खुद देख जाँच करता था, लेकिन ऐसी कोई ट्रबल नहीं था। अब तो 20 दिन पार कर गए लोग, 20-25 दिन के ओवर हो गया। इसके बाद एक आदमी गोरखपुर से आया है, उसको हमने अलग रखा है। बलिया सिकंदरपुर से KKT न्यूज संवाददाता कमाल खान की रिपोर्ट।